हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और वो है द रस्ट ऑफ लस्ट या लस्ट द एनी विथिन। तो पहले जब सतयुग था तब दो लोक में फाइट हुआ करती थी, देवलोक एंड असुर लोक। फिर जब त्रेता युग आया तब दो कंट्री के बीच में फाइट होनी शुरू हो गई, राम जी थे इंडिया से, रावण था लंका से। फिर जब द्वापर युग आया तब एक ही कंट्री के अंदर, एक ही घर के अंदर भाई भाई लड़ने लग गए, पांडवास एंड कौरवास। फिर जब कलयुग आया, जो कि बहुत ही एलिवेटेड युग है आपको पता ही होगा, तब एक ही पृथ्वी के अंदर, एक ही घर के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर, एक ही इंसान के अंदर वो शत्रु छुप के बैठा हुआ है और वो है लस्ट द एनिमी विद इन। तो ये जो लस्ट रूपी रावण है ये हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। हम ढूंढने के लिए जाते हैं लव, मिल जाता है लस्ट, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है लव का और हम फंस जाते हैं। तो ये लस्ट असल में है क्या? तो चैतन्य चरित्रामृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वो है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा मतलब जब मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयोग करता हूं तो उसको कहते हैं काम यानी कि लस्ट, और जब कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा उसको कहते हैं प्रेम। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयोग करता हूं या इच्छा होती है मेरे अंदर, उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग लस्ट और लव के बीच में। तो अब जाते हैं हम लोग भगवद गीता में, देखते हैं भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं लस्ट के बारे में। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अत केना प्रयुक्तो यम पापम चरित्र पुरुष। हे कृष्ण, ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे पाप करवा रहा है? हे कृष्ण, ये कौन है? अनिच्छम वापरिशे है या बल दिवा नियोजिता। मेरी तो इच्छा भी नहीं है पाप करने की, मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं पाप करूं, पर बल दिवा नियोजिता, वो बलपूर्वक मेरे से पाप करवा रहा है, वो अपने बल के दम पर मेरे से पाप करवा रहा है। हे कृष्ण, ये कौन है? तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि मैं अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? ऐसा क्यों होता है कि मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? ऐसा क्यों होता है कि मैं किसी चीज पर एब्जॉर्ब नहीं रह पाता? ऐसा क्यों होता है कि मैं इधर उधर भटकने रखता हूँ? हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? तो कृष्ण का उत्तर सुनिए, कृष्ण क्या कहते हैं। काम एश क्रोधेश रजगुना समुद्भव महाशोना महापाप विद्धेन वैरी नाम। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, लस्ट है। मतलब हम जो गलत काम कर बैठते हैं ना, वो लस्ट की वजह से, काम की वजह से कर बैठते हैं। तो यूजुअली जब काम की बात आती है तो काम का मतलब होता है कि लस्ट, मतलब इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि स्त्री के प्रति आकर्षण या पुरुष के प्रति आकर्षण। पर भगवद गीता में काम का मतलब ये है कि किसी भी ऐसी वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा जो कि मेरी संपत्ति नहीं है पर मुझे उसे भोगना है, मुझे उसे भोगना है, उसे कहते हैं काम। ये स्त्री भी हो सकती है, ये किसी स्त्री के लिए पुरुष भी हो सकती है, किसी खाने की चीज भी हो सकती है जो कि मेरी वस्तु नहीं है पर फिर भी मुझे उसको भोगना। तो ये काम, ये लस्ट आता कहाँ से है? ये आता है रजोगुण की क्वालिटी से। तो जिसके अंदर रजोगुण है या जो कोई व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है तो उसके अंदर ये काम उत्पन्न होता है कि मुझे उसे भोगना है, मुझे उसका दुरुपयोग करना है। अब भोगने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा और जब भोग लेते हैं तब जितनी इच्छा थी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उसके वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। और भगवान कहते हैं यही क्रोध, ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है हमारा। सर्वभक्षी मतलब जैसे नरभक्षी होता है, उसने किसी नर को खा लिया, हाँ भाई अब मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैंने नर को खा लिया। सर्वभक्षी मतलब जितना भी डाल दो उसके अंदर, सारी भोग की वस्तुएं डाल दो, सब डाल दो उसके अंदर, बोले भाई तू ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी भोग ले, वो भी भोग ले, फिर काम बोले बस और नहीं बस मैं संतुष्ट हो गई। नहीं, काम ऐसा कभी नहीं बोलेगा, काम ऐसा कभी नहीं बोलेगा, ये सर्वभक्षी पापी है। जितना भी दो, आप सोचोगे मैं घी डालूंगा आग बुझाने के लिए, बल्कि आग बुझेगी नहीं, आग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो फिलोसॉफी ये बोलती है कि इतना भोग करो, इतना भोग करो, भोग कर करके आप समाधि तक पहुंच जाओगे, ये एकदम बकवास फिलोसॉफी है। अगर ऐसा होता तो जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स थे वो सब अभी समाधि में होते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि ये जो काम वासना है, ये जो लस्ट है, ये सर्वभक्षी पापी है, कि आप जितना भी डाल दो ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। आप आग में जितना भी पेट्रोल डाल दो, डालते रहो, आग कभी ये नहीं बोलेगी बस 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 मैं संतुष्ट हो गई, बस बस मैंने बहुत पी लिया। नहीं, आप जितना डालोगे उतना बढ़ेगा, जितना डालोगे उतना बढ़ेगा। भगवान भगवद गीता में आगे क्या कहते हैं, आवरतम ज्ञान मेते न ज्ञान इनोनित वैरी नाम, काम रूपे न कौनते है दुष्पूरे न लेन च। कृष्ण कहते हैं आवरतम ज्ञान मेते, आवरण डाल दिया है, आवरण, आवरण मतलब कवर, ढक्कन, कवर कर दिया, ये आपके ज्ञान को कवर कर दिया है। और ज्ञानी नोनित वैरी नाम, ये ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा वैरी है, दुश्मन है, शत्रु है, ये काम ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। काम रूपे न कौन थे दुष्पूरे न लेना चाहे अर्जुन, ये काम के रूप में आता है, लस्ट के रूप में आता है, और ये ऐसी अग्नि है ये कभी बुझती नहीं है।
तो ये लस्ट क्या है? तो भगवान कहते हैं एनी डिजायर आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। मान लो आप भगवान के भक्त हो, आप चार नियम का पालन करते हो, तो अगर आपको मन करे कि मैं नॉनवेज खा लेता हूँ या मैं जुआ खेल लेता हूँ, तो यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट नॉनवेज, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट जुआ। मैं किसी स्त्री के साथ संबंध बना लेता हूँ, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट वुमन, ब्यूटीफुल वुमन। तो यही लस्ट है जो हमें फंसा देता है। भगवान कहता है काम रूपे न कौन था दुष्पुर न लेना चाहे। अर्जुन ये काम के रूप में आएगा, ये काम के रूप में आएगा, और ये ऐसी अग्नि है जो कभी बुझती नहीं है। खुजली होती है ना, उसे खुजाओ तो खुजली घटती नहीं है और बढ़ जाती है। शराब पीने के बाद शराब की इच्छा घटती नहीं है और बढ़ जाती है। एक बार मास्टरबेशन कर लेने के बाद मास्टरबेशन की इच्छा घटती नहीं है और कम और बढ़ जाती है। स्मोक कर लेने के बाद स्मोकिंग की इच्छा घटती नहीं है और बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर हम कोई भी पाप कार्य करते हैं तो वो पाप कार्य रुकता नहीं और भी बढ़ जाती है, और यही माया है। तो माया का मतलब यही है, दैट विच इज नॉट। बाहर से पैकेजिंग देख के लगता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, एक बार कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ और फिर उसके बाद नहीं करूंगा, एक बार घुस जाता हूँ। तो ये जब भावना आती है तब हम घुसते हैं, और जब हम कर लेते हैं, एनर्जी बहा देते हैं, तब पता चलता है कि किस नरक में घुस गए हैं। और फिर बाद में यही माया हमें गिल्ट देती है कि क्यों किया, क्यों किया। यही पहले बोलती है कि मजा है, फिर यही गिल्ट देती है। तो यही माया है, दैट विच इज नॉट। तो अब अर्जुन को पता चल गया था कि ये जो लस्ट है ना, यही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, यही एनिमी है। जैसे भगवान ने उसको कहा था कि लस्ट के रूप में आता है और यही सर्वभक्षी पापी है। तो अब भला इस लस्ट को खत्म कैसे करें? तो आपको एड्रेस भी तो चाहिए ना, ये लस्ट रहता कहाँ पर है? जहाँ पर रहता है वहाँ पे घुस के मारेंगे तभी जाके तो ये खत्म होगा ना। आपको पता चल जाएगा आपका एनिमी किधर है, आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, तभी जाके आप उसको मार पाओगे। तो उसी प्रकार भगवान एड्रेस देते हैं अर्जुन को नेक्स्ट श्लोक में। तो भगवान आगे कहते हैं इंद्रियानु मनोर्बुद्धिर अधिष्ठानाम उच्चते एतरि विमोही अतिशेहया ज्ञानमावृत्त देहिनाम। तो भगवान कहते हैं इंद्रियानु मनोर्बुद्धिर, इंद्रिया मन और बुद्धि, इंद्रिया मीन्स सेंसेस, मन मीन्स माइंड, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। तो इंद्रियानु मनोर्बुद्धिर अधिष्ठानाम उच्चते, यही इनकी अधिष्ठात्री है, यही इनका जगह है, यही डेरा डाल के बैठा है काम लस्ट। तो अगर हमको लस्ट पे अटैक करना है तो क्या करना होगा? हमारे इंद्रिया मन और बुद्धि को प्यूरिफाई करना होगा, प्यूरिफाई जस्टिफाई नहीं, प्यूरिफाई करना होगा। तो बिना माइंड इंटेलिजेंस और सेंसेस को प्यूरिफाई किए बिना हम लस्ट से नहीं लड़ सकते। और अगर हमने प्यूरिफाई नहीं किया तो भगवान आगे क्या कहते हैं, एतरि विमोही अतिशेहय ज्ञानमावृत्त देहिनाम। ये आपको इतना विमोहित करेगा, ये काम आपको इतना घुमाएगा कि आपके ज्ञान में आवरण डाल देगा, ज्ञानमावृत्त देहिनाम ढक्कन डाल देगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बेसिकली मैं इन सब डीप हाई टॉपिक, हाई लेवल टॉपिक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ। बट स्टिल इन सब के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो ये लस्ट जो है, जो कि सर्वभक्षी पापी है, जो भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं, वो हमें खा जाएगा, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो आज अगर आप इंटरनेट स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफिक मूवीज़ देखने में जो हाई में है, एकदम टॉप लेवल वन में है अंडर द एज ऑफ 24, वो है हमारा प्यारा सा कंट्री इंडिया। उसके बाद आता है अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया। इवन अमेरिका को कॉपी करते करते हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, हमने तो टॉप करना शुरू कर दिया। पर किस में टॉप कर रहे हैं भाई? हम पोर्नोग्राफिक मूवीज़ देखने में हम लोग टॉप कर रहे हैं, वो स्टेटिस्टिक्स है। इवन एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 89% जो हमारा डेटा है वो वेस्ट होता है पोर्नोग्राफिक मूवीज़ देखने में। तो अगर किसी के पास 10 GB डेटा है तो फिर वो अपना 8.9 GB डेटा यूज़ करता है पोर्नोग्राफिक मूवीज़ देखने में, और फिर बाकी के जो 1.1 GB डेटा है वो कुछ वगैरह यूट्यूब या कुछ वेब सीरीज़ ये सब देखने में यूज़ करता है। तो हम लोग लीड कर रहे हैं, पर किस में? पोर्नोग्राफिक चीज़ों में, क्योंकि सस्ता डेटा मिलता है, कुछ करने का तो है नहीं, देखो यही देखो फिर। तो इंडिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ धर्मा, लैंड ऑफ भगवद्गीता, जहाँ पर महाभारत, रामायण सब हुआ था। और क्या लैंड ऑफ धर्मा यार, क्या लैंड ऑफ धर्मा, जिस देश के युद्ध को ही ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए खुद के पर्सनल लाइफ के साथ, कैसे करके अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे युद्ध को ही नहीं पता, हमें ही नहीं पता। ये इवन गूगल भी हमारे ऊपर हंस रहा होता है, ये लोग लैंड ऑफ धर्मा कहते हैं और इनको खुद ही नहीं पता कि कैसे अपने सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद लंदन गए थे तो किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप क्यों आए हो लंदन? तो प्रभुपाद ने कहा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 साल तक लूटपाट मचाई, उन्होंने बहुत सारे ज्वेल्स
कोहिनूर, गोल्ड सब ले गए, पर वो द टॉप मोस्ट ज्वेल भगवत गीता लेना भूल गए। मैं आया हूँ उसका हैंड डिलीवरी करने। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर, तो ये जो काम है, ये जो लस्ट है, ये सर्वभक्षी पापी है, यही हमारा शत्रु है। क्योंकि बाहर के शत्रु को मारना तो बहुत इजी है, लेकिन अंदर के शत्रु को हराना, उसके साथ लड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। देयर इज अ सेइंग, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो गीता दी ही गई है हमें मन को जीतने के लिए, और गीता अटैक करती है डायरेक्ट रूट कॉज पर जो कि हमारा मन है। इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए। तो अगर हमने लस्ट को नहीं रोका तो भगवान कह रहे हैं ए तरी विमोही अतिशय है या ज्ञान मावृत देही नाम, ये आपको ज्ञान में आवरण डाल देगा, ढक देगा आपके ज्ञान को, और ये आपसे इतना पाप करवाएगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। तो अब भगवान अगले श्लोक में सल्यूशन बताते हैं कि कैसे करके रोका जाए इस लस्ट को। तो भगवान कह रहे हैं तस्माद् व्यम इंद्रियानियादो नियम या भरतर्षभा पापमा नाम प्रजये है या ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात मतलब देयरफोर क्या होता है, जब किसी बात पूरा कहने के बाद जब हम इसको कंक्लूड करते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे पूरा सम कर दिया फिर हम नीचे लिखते थे देयरफोर LHS इक्वल टू RHS। तो भगवान अभी कंक्लूशन दे रहे हैं अर्जुन को कि कैसे करके बचा जाए इससे। कहते इंद्रियान यादो नियम या भरतर्षवा, कि तुम पहले अपने इंद्रियों से शुरुआत करो। भगवान पिछले श्लोक में क्या कहा था, इंद्रियानु मनोरबुद्धि माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस में रहते हैं ये काम। तो भगवान कह रहे तुम इन सारे चक्कर में मत पड़ो अर्जुन, तुमसे नहीं होगा, तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर दो। तो सेंसेस कौन से, हमारे 5 सेंसेस है, आंख नाक कान जीभ और त्वचा। तो इस सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए बोल रहे भगवान कि इन सेंसेस को नियमित कर दो, रेगुलेट कर दो, वरना ये इतना पाप करवाएगा अर्जुन तुमसे, इतना पाप करवाएगा कि ये तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देगा। एक्चुअली अर्जुन के अंदर कोई काम वासना ही नहीं है, तो ये क्यों बोल रहे भगवान अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से ये भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें इसको नियमित करना है। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो अर्जुन को बोला गया था ना, उसके समय में अलग था, अर्जुन के अंदर काम वासना है ही नहीं। वो जब स्वर्ग में गया था तब उर्वशी ने उसको टेम्प्ट करने का कोशिश किया, पर उसने उर्वशी से टेम्प्ट नहीं हुआ। तो इतने अगर पावरफुल है अर्जुन, जिसको उर्वशी जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, कोई भी देख के उसको लाइन मार देता है, तो इसलिए अर्जुन उससे भी टेम्प्ट नहीं हुआ। तो अर्जुन के अंदर काम वासना बिल्कुल भी नहीं है, पर अर्जुन को नियमित बनाकर, इंस्ट्रूमेंट बनाकर भगवान हमें कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न हम भी पूछेंगे फ्यूचर में कि हम क्यों पाप करते हैं, हम नहीं करना चाहते फिर भी हम क्यों करते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं भगवान कि क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को रेगुलेट कर दो। रेगुलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हर चीज़ में आप देखोगे ना तो रेगुलेटर है। अगर सब्जी में ज़्यादा नमक होगा तो सब्जी खराब हो जाएगी, अगर बिल्कुल नमक नहीं होगा तो भी सब्जी खराब हो जाएगी। तो रेगुलेट, थोड़ा सा नमक सब्जी बढ़िया। फैन में अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो वो दुख का कारण बन जाएगा, गर्मी में तो अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा, पर जब सर्दी आएगी वही फैन आपको दुख देगा। एसी बिना रेगुलेटर के वो आपको दुख का कारण बन जाएगा, या कोई रेडियो बिना रेगुलेटर के वो आपका दुख का कारण बन जाएगा। तो रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलेट किसको करना है, आंख नाक जीवा कान और त्वचा, इन 5 सेंसेस को हमें रेगुलेट करना है। तो जब इन 5 सेंसेस को हम लोग रेगुलेट कर देंगे ना, तब गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं हमारे, क्योंकि सेंसेस क्या है, ये 5 द्वार है, 5 दरवाजे है। अच्छा किसके दरवाजे है, हमारे मन के, हमारे बुद्धि के ये दरवाजे है। हम जो देखते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं कि ये तो मैंने देखा था। हम जो खाते हैं उसी का टेस्ट बना रहता है हमारे मन के अंदर। हम जो पढ़ते हैं वो याद रहता है हमारे मन के अंदर। तो ये द्वार है, 5 गेट्स है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। तो भला इस काम से, इस लस्ट से निकले कैसे, तो इसका तो जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो तो स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि जब हमें स्पिरिचुअलिटी का ऊंचा स्वाद मिलेगा तब हम निचले स्वाद को भगा देंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं विषय विनिवर्तन्ते निराह रस्य देही नो रसो वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा मतलब ऊंचा स्वाद, सेंस ऑब्जेक्ट को भोगने के बाद भी उसका जो टेस्ट है ना वो हमारे अंदर बना रहता है, पर जब हमें कोई उचला स्वाद मिलता है तब हम उस टेस्ट को भगा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टूटे दाने वाले चावल अगर कोई खाए, तो अगर आप उसको बोलो भाई तू ये टूटे दाने वाले चावल छोड़ दे, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, भाई हम तेरे को लंबे दाने वाले बासमती राइस देंगे काजू किशमिश से भरा हुआ बहुत टेस्टी, हाँ तो मैं छोड़ दूंगा। अब आप किसी बासमती राइस वाले के पास जाओ और उससे बोलो भाई तू बासमती राइस छोड़ दे, लंबे दाने वाला चावल छोड़ दे, नहीं नहीं मैं क्यों छोड़ू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इतना टेस्टी खाना,
मैं तेरे को जगन्नाथ जी का 56 भोग देगा तब तो छोड़ देगा, हाँ छोड़ देगा। तो जो 56 भोग है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है इस बासमती राइस से। तो इसी प्रकार जब हमें उछला स्वाद मिलता है तब हम निचले स्वाद को भगा देते हैं। तो जब स्पिरिचुअलिटी का, भक्ति का जब ऊंचा स्वाद मिलता है तो व्यक्ति के दिमाग में ये क्लिक भी नहीं करता कि ये पॉन ये मैं देख लूं, पर जब ऊंचा स्वाद ऊपर से चला जाता है तब तब तो निचले स्वाद में लगा रहेगा ना, वो जितना भी कर ले नहीं गलत है, नहीं करूंगा, नहीं गलत है, नहीं है, नहीं है, नहीं करना, नहीं, चलो चलो एक बार कर लेते, एक बार कर लेते, फिर गिल्ट आता है। तो कब तक करेगा भाई नेति नेति, ये नहीं, ये नीति नीति तो काम करने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो ऊंचा स्वाद चाहिए और वो है भक्ति का। तो इसलिए हायर टेस्ट कहाँ से आता है, ये हायर टेस्ट तो आता है भक्ति से। और साथ ही जब हम पॉन देखते हैं तो हमें ये थोड़ा कंटेम्प्लेट करना चाहिए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं एक ही एक्टिविटी को बार बार देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि इन वीडियोज़ में कुछ वेराइटी होते हैं, एक ही एक्टिविटी जो कि सड़क में कुत्ते बिल्ली कर रहे होते हैं वही बस इंसान करते हैं। बस कोई कुत्ते बिल्ली का रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करता, इंसान का अपलोड कर देते हैं, बस नाम अलग होता है और चेहरा अलग होता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी तो एक्टिविटी जो कंटेंट है वो तो सेम ही है ना। तो जो व्यक्ति देख रहा होता है उसको लगता है अभी कुछ नया होगा, अभी कुछ नया होगा, अभी कुछ नया होगा, ये करते करते उसने पूरी डेटा खत्म कर दी और पर देखी उसने सेम ही एक्टिविटी। तो किसी नई वस्तु के चाहत में वो एक ही चीज देखता रहता है, एक ही चीज देखता रहता है और अपना सारा डेटा कंज्यूम कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग उल्टा फुल्टा चीज देखते हैं, फिर क्रोम में जाएंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च हिस्ट्री में जाएंगे और डिलीट हिस्ट्री कर देते हैं। फिर सोचते अभी किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या क्या करता हूँ। पर गूगल में तो डिलीट हिस्ट्री का बटन है, पर जो हिस्ट्री हमारे खोपड़ी के अंदर हमारे मन के अंदर बस चुका है उस पे तो कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है, वो कैसे जाएगा। फिर ये करते 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 हमारे संस्कार गहरे बनते जाते हैं, गहरे बनते जाते हैं। फिर हम जो भी देखते हैं या जो भी कुछ सोचते हैं या किसी को भी देखते हैं तो अपनी भोग की दृष्टि से देखते हैं, अपनी भोग की इच्छा से देखते हैं, और क्योंकि वो संस्कार बन गए हैं अभी हमारे मन के अंदर। तो भगवान इसलिए भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम पहले अपने इंद्रियों को ठीक करो। अगर इंद्रियों को ठीक कर लोगे, इंद्रियों को रेगुलेट कर लोगे, सेंसेस को रेगुलेट कर लोगे तो गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं। जो जा चुका है अब तो चला गया ना, अब और मत जाने दो। जैसे हमारे सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो है हमारा बुद्धि, और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो है हमारा मन, और इसका जो द्वार है, इसका जो गेट है वो है इंद्रिया, 5 senses, आँख नाक कान जीभ त्वचा। तो जब गलत डेटा जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बुद्धि और मन के अंदर जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करो। क्या करो अर्जुन, तुम आँख के बाहर गेट कीपर लगा दो, मैं वही देखूंगा जो मेरी काम की है वरना मैं नहीं देखूंगा, मैं वही खाऊंगा जो मेरी काम की है वरना मैं नहीं खाऊंगा, मैं वही पकड़ूंगा जो मेरा काम का है वरना मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं वही सुनूंगा जो मेरा काम का है मैं वरना नहीं सुनूंगा। तो रेगुलेट करो, भगवान कह रहे बिगिनिंग के लिए पहले इंद्रियों को ठीक कर लो। तो भगवान डोंट्स कह रहे, पर जब हम डूस करेंगे वो है भक्ति, भक्ति है डूस और डोंट्स है इंद्रियों को रेगुलेट करना। जब हम ये दो चीजें एकदम फोकस से करेंगे तब हमारा ये लस्ट घट जाएगा। ऐसा नहीं कि ये एक बार में खत्म हो जाएगा, इसका स्वाद फिर भी बना रहेगा, पर ऊंचे स्वाद को अपने जीवन में लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे। अरे कितने बार सब लोग बोल रहे भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता में आंसर दिया हुआ है कि कैसे करके कंट्रोल करने अपने माइंड और सेंसेस को, पर हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग इधर उधर गोते मारते रहते, इसका मोटिवेशनल सुन लिया, इसका ये सुन लिया, ये वीडियो देख लिया। जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम बार बार पढ़ेंगे तो तब हमको पता चलेगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इस पे मेरी पूरी पोल खोल दी गई है। तो इसलिए हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और क्या है कि कुछ बैड हैबिट्स है ना जो कि बहुत आराम से चली जाती है, कि थोड़ी सी मैंने भक्ति की, थोड़ा सा टॉलरेट किया, वो बैड हैबिट्स चला गया। पर कुछ बैड हैबिट्स ऐसी भी होती है जो जाने में बहुत समय लेती है, बहुत समय लेती है, पर हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। और बेसिकली ये जो सेक्सुअल बैड हैबिट्स है ना, ये जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि ये जो हैबिट है ये हमने हर योनियों में भी की है। हमने नशा करना हर योनि में नहीं करी, हमने जुआ खेलना हर योनि में नहीं की, हमने मीट खाना हर योनि में नहीं की, पर एक हैबिट है जो हमने पेड़ पौधों के योनियों में भी की है, वो है सेक्सुअलिटी। लेकिन अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से भगवान का नाम जाप करेंगे, तो फिर इस सेक्सुअलिटी, ये काम वासनाओं की भी कोई औकात नहीं है हरिनाम प्रभु के सामने। लेकिन इसके संस्कार गहरे हैं, क्योंकि हमने ये बहुत सारी योनियों में किया है, सारी योनियों में किया है। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी ने बोल दिया कि टाइम लगता है तो फिर करते रहो, जिस दिन जाएगा जाएगा, नहीं। अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे ना तो ये संस्कार और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। और एक आखिरी ऑप्शन वो है भगवान श्री कृष्ण से प्रे करना, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना,
हे प्रभु, ये जो मेरा हृदय है इसके अंदर बहुत ही लस्ट छुपा बैठा हुआ है। ये हृदय के अंदर आपको रखने का जगह होना चाहिए, पर मैंने क्या किया, कूड़ा करकट भरा के रखा है। तो प्लीज़ आप इसको दूर कर दीजिए और मुझे अपने शरण में ले लीजिए। और इस पे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है कि जब एक बार कामदेव, जो कि गॉड ऑफ लस्ट, जो कि भगवान है काम वासनाओं के, मदन कामदेव, वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया था कि भाई हमारे तीरों को कोई झेल नहीं पाया, एक तीर चलाया कि जो बड़े बड़े योगी बैठे रहते हैं ना, एक तीर चलाया किसी का बुद्धि खराब, किसी का मन खराब, भाई हमारे तीरों को तो कोई झेल नहीं पाया। तो गए नारद मुनि के पास। नारद मुनि, फाइट करोगे क्या मेरे साथ, चलो युद्ध करते। नहीं नहीं भाई, तूने मेरी एक बार बुद्धि खराब की थी, मैंने उसके लिए भगवान को श्राप दे दिया था, आई एम रियली सॉरी। तो नारद मुनि की भी एक बार बुद्धि खराब हो गई थी, तो मैं ये स्टोरी में नहीं जा रहा। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, क्या तपस्या करते रहते हो, आ जाओ थोड़ा युद्ध कर लो। नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ भाई, बुद्धि खराब मत कर, तू जा इधर से। शिव जी के पास गए। शिव जी, आ जाओ थोड़ा युद्ध करते। शिव जी ने कहा, एक बार तीसरी आँख खोल के भस्म किया था, क्रोध दिलवा दिया था, मेरा तपस्या भंग हो गया था, अभी दोबारा मत। तो कामदेव चौड़े होके घूम रहा है, हाँ, कोई नहीं है मेरे बाणों को झेलने वाला, आई एम द किंग, कोई नहीं है। तो नारद मुनि आ गया, अरे भाई थोड़ा ठंड रख, क्या घमंड दिखा रहा है। एक व्यक्ति है ना जिसको ना घमंड का जो फोड़ा है ना, उसको फोड़ने में बहुत मजा आता है। तो कामदेव ने कहा, अच्छा कोई है क्या मेरे से लड़ने वाला, है क्या कोई? हाँ। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ बेटा है, ये ले एड्रेस लिख। तो एड्रेस दिया उसको, वंशीवट वृंदावन। तो उसने देखा एड्रेस, उसने GPS सेट किया अपने तोते पर और चला गया वृंदावन। और जब वृंदावन गया, देखा भगवान श्री कृष्ण पूरे घेरे हुए हैं गोपियों के साथ, राधा रानी, सारे गोपियाँ, सब लोग हैं। तो कामदेव ने कहा, ये है क्या, इसको गिराना है? अरे इसके लिए तो मेरे को एजेंट भी भेजना नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ये पहले ही एजेंटों से घिरा हुआ है, ऐसे ही गिर जाएगा। तो वहाँ पे जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर कामदेव ने क्या किया, अपना घोंसला वोसला बना के, अपना घर वर बना के वहाँ पर एकदम टारगेट ले लिया, अपने वाहनों से एकदम टारगेट ले लिया कि अभी इसके ऊपर मैं चलाऊंगा। एक तीर चलाया, कुछ नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण नहीं हिले, आराम से वो बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ डांस कर रही है। तो उन्होंने सोचा कोई योगी वोगी होगा। दूसरा तीर चलाया, अब अगर कोई एक तीर खा लेना कामदेव का, तो वो पगलेट हो जाता है, पूरा बुद्धि शुद्धि घूम जाती है, पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे तीर चलाते 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 उसने तुनीर खाली कर दिया, इवन भगवान श्री कृष्ण के रूप के ऊपर वो मोहित हो गया और नीचे गिर पड़ा। और नीचे जब गिर पड़ा, तब वो गया भगवान श्री कृष्ण के पास, हे आप कौन हो, मैंने इतना तीर चलाया आपके ऊपर और आपके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। हे प्रभु, कृपया करके अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड दिखा दीजिए। तो जैसे ये कहा, सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, नारद मुनि सब आ गए। कहा, अरे बेटे इसका कोई आधार कार्ड नहीं है, ये पूरे सृष्टि का आधार है, ये प्रभु है। ओ प्रभु, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चल छोड़ा तेरे को। तो अगर किसी को अपनी लस्ट गिरानी हो, जैसे कि कामदेव गिरे पेड़ से, अगर किसी को अपनी लस्ट गिरानी हो तो वो किसके पास जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पास। इसलिए लस्ट इज कॉन्कर्ड बाय भगवान श्री कृष्ण, उनका कोई एजेंट नहीं, कामदेव खुद, जो कामदेव जिनका नाम मदन है, उस मदन को भी मोहने वाले हैं राधा मदन मोहन। तो इसलिए अगर आपके हार्ट के अंदर कामदेव लस्ट है, तो आइए अब राधा मदन मोहन जी के पास, उनसे प्रार्थना करिए, खाइए महाप्रसाद और झूमिए। तो एक बार एक भक्त गया था श्रील प्रभुपाद के पास, तो वो जाके पूछने लगा, प्रभुपाद हमारे अंदर जो काम वासना है, हम उससे कैसे बचें? तो प्रभुपाद ने कहा, दिस इम्पॉसिबल। प्रभुपाद उठे और चल दिए। तो उस भक्त ने सोचा कि मैंने शायद अच्छे से नहीं पूछा, मैं कल अच्छे से पूछूंगा। तो वो कल गया और उसने पूछा कि प्रभुपाद हमारे अंदर जो एक जानवर है, जो हमसे वो करवाता है जो हम नहीं करना चाहते, तो इस जानवर को बाहर कैसे निकाले? तो प्रभुपाद ने कहा, दिस इम्पॉसिबल। वो उठे और चल दिए। तो फिर वो भक्त एकदम टूट गया कि दिस इम्पॉसिबल प्रभुपाद कह रहे हैं, तो फिर मैं लास्ट एक बार पूछूंगा, वरना मैं एकदम छोड़ दूंगा मैं, और मेरे से और नहीं हो सकता। फिर वो नेक्स्ट डे गया प्रभुपाद के पास और फिर पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हमारे अंदर जो एक जानवर है, एक जो रावण है, जो राक्षस बैठा हुआ है, जो हमसे वो करवाता है जो हम नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो हमें फोर्स करता है वो करवाने के लिए, तो हम इससे कैसे बचे? प्रभुपाद ने कहा, दिस इज इम्पॉसिबल। वो उठे और चल दिए। तो वो भक्त एकदम टूट गया, वो बैठ गया नीचे। फिर प्रभुपाद रुके, प्रभुपाद ने फिर अपना जो केन है, जो छड़ी है, वो भगवान की ओर दिखाया और कहा, गोविंद इच्छा,
इसका मतलब कि जब हमारी जो काम वासना जो हमारे अंदर है वो भगवान की इच्छा से ही जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से इच्छा से जाएगी तो करते रहो फिर, नहीं, हमें प्रयास तो करना होगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर भगवान की इच्छा कभी नहीं होगी कि हमारे अंदर से वो काम वासनाएं जाए। कि या फिर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं रजाई के अंदर बैठा रहूंगा और एक दिन छत से कृपा गिरेगी, बेटा तेरे ऊपर छत ही गिरेगा, कृपा नहीं आने वाली। तो इसलिए हमें भगवान से प्रे तो करना चाहिए। और एक है, अगर आपको कभी लस्टी फीलिंग आए ना तो आप क्या करो, भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सा फोटो लो और भगवान श्री कृष्ण के आईब्रोज में कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी लस्ट खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या? हाँ भाई, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक बार करके तो देखो। क्योंकि कामदेव जिससे बाण छोड़ते हैं उनका भी धनुष है, उसी प्रकार भगवान के जो बोहे है उससे वो भी एक धनुष के समान है। उससे जब भगवान कृपा की दृष्टि करते हैं, कृपा की बाण छोड़ते हैं हमारे ऊपर, तो हमारे हार्ट के अंदर जो कामदेव है वो तहस महस हो जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है, हमें भगवान से प्रे करना चाहिए और टॉलरेट द अर्जेस, अर्जेस को टॉलरेट करना चाहिए। तो मेरा जितना कैपेसिटी था मैं उतना ही बोल पाया, जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन इतना नहीं कर पाया, जितना हो सका मैं उतना ही बोल पाया बस। तो इतना ही, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।